के भतीजे के लिए ले लिया कुछ फाइनली, और अब बड़ा रिलीफ मिल रहा है, बड़ा फ्री फील कर रहा हूँ मैं उसके लिए कुछ लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे खाली हाथ जा रहा हूँ मैं। चल ठीक है, अब मेरे को बस पकड़नी है प्राग के लिए। तेरे को भी दिखाता हूँ कैसी ये जगह। कभी आना सब साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। पौने एक, 8 अक्टूबर, कल मेरी फ्लाइट है प्राग से, और वियना में ये मेरा दूसरा दिन है और लास्ट दिन है। एक पार्क से होकर गुजर रहा हूँ, जाना है एक म्यूज़ियम की तरफ, और ये पार्क है मेरे पीछे। वहाँ पीछे की तरफ बच्चों के झूले हैं, और गुज़रते हुए मैंने मेरे इस लेफ्ट हैंड साइड में ये लॉन्ग जंप के लिए ट्रैक बना हुआ है, और रेत को ठीक से ढका हुआ है। यानी बचपन से ही स्पोर्ट्स की आदत और ट्रेनिंग खेल खेल में ही बच्चों को यहाँ मिलने लगती है। तो इस तरह की सुविधाएं अगर हमारे देश में भी हों, हमारे दिल्ली, बम्बई या बड़े शहरों में ही क्यों, छोटे शहरों में भी इस तरह के साफ सुथरे पार्क्स हों जहां लोग कभी भी जॉगिंग करने आ सकें, घूम सकें, बैठ सकें। तो ऐसे पार्क्स में भी इस तरह की सुविधाएं हों तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकलेंगे। का ये कि म्यूज़ियम है और इसके अंदर ये पार्क है, मगर मिकलोव का जो पार्क था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे प्राग, साउथ मोरेबिया, उसके छोटे छोटे गांव, वो कहीं खूबसूरत बेहतर लगे ऑस्ट्रिया के मुकाबले, या कह सकते हैं वियना के मुकाबले। ये एक और पार्क है सामने, सबसे बड़ी दिक्कत यह है मुझे यहाँ के नाम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं क्या है। शॉनब्रुम शायद नाम है, शॉनब्रुम। 2 बजने वाले हैं और यहाँ का मौसम इस वक्त ऐसा है, सुबह काफ़ी ठंड थी और जैकेट, मफलर ये सब यहाँ रखा हुआ है, मगर अब फिलहाल धूप खिली हुई है और अच्छी लग रही है धूप। इंडिया गेट के लॉन से याद आ रहे हैं, यहाँ सर्दियों में हमारे काफ़ी सारे सरकारी भाई
ऑफिस का टाइम यही लंच टाइम में इंडिया गेट के लॉन्स में जाकर ताश खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो वैसे कुछ तसल्ली हो रही है यहाँ धूप में बैठकर। काश रेवड़ी और गजक होती और हम नीचे बैठ के यहाँ दरी पर रेवड़ी और गजक खा रहे होते। ट्यूबलाइट्स रोड के बिल्कुल बीच में हैं। सिर्फ यहाँ एक खंबा है, यहाँ एक खंबा है और बाकी सारी ट्यूबलाइट्स रोड के बीच में हैं। वियना शहर की एक आम गली रिहायशी इलाके की कुछ ऐसी होती है। कुछ जगहों पर नीचे दुकानें हैं, ये ऐसे दरवाजे हैं, गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती हैं, फुटपाथ चौड़े हैं, हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, सड़कों के नाम, बस स्टैंड्स, ये सामने ऑटो बस लिखा हुआ है, वो एक बस स्टैंड है, सारा हिसाब किताब कुछ ऐसा है। सुवेनियर खरीदना है और खाना, मतलब मेरे पास में जो सुबह ब्रेड्स मैंने पैक की थी वो खानी है। मैं आ गया हूँ इस मॉल में। U3 यानी अंडरग्राउंड 3 शायद, यानी अंडरग्राउंड मेट्रो, मॉल में से सीधे मेट्रो स्टेशन पर। और ये मैं आ गया मेट्रो स्टेशन पर। यू नाम से जो यू लगे हुए हैं सामने, यानी इस यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन, सबवे, मेट्रो। फिलहाल मैं सेवा नाम का एक स्टोर ढूंढ रहा हूँ, पूछता हूँ किसी से, और मुझे मिल गया स्टोर मेरा सेवा सामने। छोटे से भतीजे, तेरे लिए ले लिया कुछ। मैं इतना परेशान था कि पता नहीं कुछ ले भी जा पाऊँगा तेरे लिए या नहीं। आज तक कुछ खरीदा तो है नहीं कभी किसी के लिए, तो पूरे ट्रिप में कुछ ना कुछ ढूंढता रहा। तेरे लिए मैंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, अब पता नहीं तू तो समझेगा या नहीं अभी। तो आज मुझे प्राग जाना है वापस, यहाँ से मैं हूँ इस वक्त वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, और शाम की मेरी बस है और शाम हो चुकी है। और मैं लगभग आज सुबह से ही सोच रहा था कि आज लास्ट दिन है, आज नहीं ले पाया तो पता नहीं फिर नहीं कुछ ले पाऊंगा तेरे लिए। तो बालक, तेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, लेकर आ रहा हूँ। कमाल की बात है, अभी अभी एक मस्जिद दिखी है और बहुत अलग तरह की मस्जिद है इसी गली में, इन्हीं घरों जैसी है वो सामने, मस्जिद ए इब्राहिम है ना। सब कुछ ऐसा हो तो कितना अच्छा है, जो जैसा शहर है वैसा ही सब कुछ उसके हिसाब से ढल जाए तो अच्छा है। हल्की रिमझिम बरसात, ठंड ही गुलाबी, मौसम कुछ ऐसा,
हल्की बदली छाई हुई है, शाम का वक्त है और ऐसे में वियना की इस खूबसूरत सी सड़क पर अकेले हो तो अच्छा लगता है, साथ में कोई हो तो और भी अच्छा लगेगा।